अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल समद है, द लेक्चर डॉट नेट कहते हैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि वर्डप्रेस के जो डैशबोर्ड के अंदर अपेरेंस होता है उस पर हम लोग कैसे काम करते हैं, डिफरेंट थीम्स हम लोग यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह हो सका तो 3 थीम्स पर हम लोग काम करेंगे, और इसको हम लोग ये देखेंगे जो हमारी वेबसाइट अभी है उसको हम लोग किस तरह से दूसरी थीम्स के अंदर ला सकते हैं और थीम्स को हम लोग किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। ये बेसिक थीम्स में आपको जो होंगी वो यहाँ पे करवाऊँगा, और जो एडवांस थीम्स होती हैं जब मैं आपको एडवांस कोर्स करवाऊँगा वर्डप्रेस का, तो उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें करवाऊँगा। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो वेबसाइट हमारे पास ओपन हुई हुई है हम लोग उसको देखते हैं, और मैं आता हूँ थीम्स पर। सॉरी, पहले मैं आता हूँ, ये थीम्स तो आपके हमारे पहले से मौजूद है, 3 थीम्स हमें वर्डप्रेस पहले से देता है। जैसे अगर बिफर्स मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, जैसे मैं इसको एक्टिवेट करूँगा और अब देखूँगा तो मेरी वर्डप्रेस की थीम चेंज हो गई होगी, यानी अब मेरे मेन्यूज़ यहाँ पे आ गए, नेविगेशंस जो मेरे विजिट्स वगैरह थे वो सब यहाँ पे आ गए। सही है, तो ये आपकी डिफरेंट थीम्स होती हैं, इसको भी एक्टिवेट करके देख लेते हैं। फ्रेश, आप देखेंगे ये हमारी पुरानी वाली थीम है और एक थीम ये वाली है। फ्रेश, तो ये कुछ ब्लैक कलर की थीम है हमारे, इस तरह से कुछ चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। अभी हम लोग बेसिकली अपनी पुरानी थीम पे चलते हैं। फ्रेश, और ये आपकी थीम है। इस थीम्स के अंदर हम लोग जैसे ये चीज़ चेंज करना चाहते हैं या कोई दूसरी चीज़ है, बैकग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर है, ये सारी चीज़ें हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तो आप आएंगे कस्टमाइजेशन में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको कस्टमाइजेशन से पहले बताता चलूँ कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेन्यूज़, हेडर, बैकग्राउंड, एडिटर के अलावा हम लोगों ने मेन्यूज़ पर काम किया था, हेडर, बैकग्राउंड, कस्टमाइज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। तो मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ, जैसे आप देखें यहाँ पे मेन्यूज़ भी मौजूद है, विजेट्स भी मौजूद है, ये हम इस पर हम लोग काम कर चुके हैं, इस पर हम लोग काम कर चुके हैं, मेन्यूज़ पे हम लोगों ने काम कर लिया, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। और ये चेंज थीम का ऑप्शन जो हमारे पास होता है, मैं यहाँ पर भी खोल लेता हूँ ताकि आपको क्लियर आपको समझ में आ जाए। देखिए थीम्स, ये आपकी थीम्स आ गई। सही, ये आपका कस्टमाइजेशन जिसको हम लोगों ने ओपन किया हुआ है, इसके नीचे विजेट्स, मेन्यूज़, हेडर, विजेट्स, मेन्यूज़, हेडर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से भी मिल जाती हैं। अच्छा, साइट टाइटल आइडेंटिटी, तो आप देखें डेमो वेबसाइट, यहाँ मैं लिख देता हूँ माय बेसिक WP वेब, यहाँ पे आ गया। आपको टाइटल देना है, मैंने हाँ लेक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको बिल्कुल आपको देना है, लेकिन इसको आपको हटाना है, उसके साथ करें तो ये चीज़ यहाँ से गायब हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों पे आते हैं, लोगों के लिए हम लोग ले लेते हैं ये चीज़, आप देखेंगे लोगों ये सिर्फ इतना सही मांगता है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और क्रॉप कर देते हैं। देखें अब लोगों भी आ गया, अब मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है, इसको अभी हम लोगों ने सेव नहीं किया हुआ, इस वजह से आपको ये चीज़ दिखेगी नहीं, तो हम लोग उसको सेव करते हैं। यहाँ पर आते हैं, वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो आप देखें कि ये मेरे पास लोगो आ गया। सही, अच्छा अब इसको बैक करते हैं, सॉरी कस्टमाइजेशन में ही जाते हैं, बैक करना था गलती से एक हो गया। कलर्स, तो बैकग्राउंड कलर आपके पास देखें यहाँ पे ये बैक ब्लैक आया, आप इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि यार मेरी थीम के हिसाब से होना चाहिए, तो आई थिंक ग्रे में होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये कुछ सही लगेगा। अच्छा, पेज का बैकग्राउंड कलर यानी ये वाइट कलर है, मैंने बताया ये आप कर दो, वाइट ही ज़्यादा बेहतर लग रहा था, वाइट ही है। सही, यानी डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, उसको हट जाता है। लिंक कलर, अगर हमारे पास कोई एंकर टैग वगैरह डला हुआ होगा तो उसका कलर क्या होना चाहिए, तो वो आप यहाँ चेंज कर, लेकिन अभी हम लोगों ने अपने लिंक एंकर टैग डाले थे, एक एंकर टैग डाला था और उसको भी हम लोगों ने अपने हिसाब से कलर दिया। मेन टेक्स्ट कलर यानी जो कलर्स आपको दिख रहे हैं वो क्या होने चाहिए, ऐसी बात है, ये कलर्स तो आपको नहीं दिखाई देंगे। और हम लोग आ जाते हैं कुछ ब्लू टाइप के कलर के अंदर, ब्लैक अच्छा लग रहा है, डार्क ब्लैक कर देते हैं। सही, दैट्स फाइन, आगे चलते हैं। सेकेंडरी टेक्स्ट कलर, अगर बिल्कुल कोई दूसरा कलर आपको चाहिए तो वो कौन सा आप रखते हैं, मैं डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ, खुद ही अच्छा लग रहा है, आप देखें इस चीज़ें सेकेंडरी टेक्स्ट कलर यानी जो दूसरी चीज़ दूसरों चीज़ों का कलर है इनके अलावा उनका क्या है, तो मैं इसको जो सेट डिफ़ॉल्ट है वही करने देता हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा कलर। सही, सेव पब्लिश करते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा।
कुछ चीज़ों का फ़र्क आया होगा, सारी चीज़ों का फर्क है कि हम लोगों ने कलर स्क्रीन ज़्यादा काम नहीं किया। हेडर इमेज आपकी होती है यहाँ पे जो इमेज आएगी। मैंने अभी इसको रैंडम अपलोड हेडर किया हुआ था चेक करने के लिए, आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, ये ऐसा आता है, आप इसको एड न्यू करें, जिस इमेज को आप लेना चाहते हैं उस इमेज को ले सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट में ये लेता हूँ, लेकिन ये इतनी इमेज आ सकती है, इससे ज़्यादा इमेज ये नहीं आ सकती है। तो मैं एक काम करता हूँ, रीजन से यहाँ से ले लेता हूँ, ये आपके आगे। अच्छा एक और करते हैं, ऐड न्यू इमेज सी को, पूरी इमेज भी आ सकती है इसका, सही। अच्छा रैंडम कर देते हैं, इससे क्या होगा रैंडम से देखते हैं। अच्छा मैंने सेव नहीं किया, आप देखें कभी ये आ गई है कभी ये आ गई है, मतलब जैसे जैसे आपकी वेबसाइट कोई नया बंदा खोलेगा तो कभी ये इमेज आएगी कभी ये वाली आएगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट यहाँ पे रख सकते हैं, तो हर दफ़ा यूज़र को डिफरेंट इमेजेस शो होंगे, सही। आगे चलते हैं, ये आपका बैकग्राउंड इमेज, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड इमेज आपको डाल दिए तो आप डाल सकते हैं। ये हम लोग चीज़ें कर चुके थे, मेन्यूज़ पे हम लोग काम कर चुके थे, विजिट हम लोगों ने सेट किए थे, और फ्रंट स्टैटिक पेज कौन सा होगा वो हम लोगों ने सेट किया था। अब आते हैं कुछ थीम्स डालते हैं, थीम्स को डालने का सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और डिफरेंट तरीके क्या हैं वो मैं आपको बता दूंगा। आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, ये जब भी आपके पास स्क्रीन आएगी, जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ओपन होगा, आप यहाँ से आके कोई भी सर्च थीम कर सकते हैं। जैसे आपको अगर कोई थीम का नाम याद है तो आप कर सकते हैं, जैसे विल्फर्स, ये जिल्फर चाइल्ड, ये किसके लिए काम करती है। मैं बोलता हूँ कि मुझे एक थीम चाहिए ब्लॉक की, यानी जिसके अंदर ब्लॉक्स वगैरह आराम से बन सकें। तो देखें आप ब्लॉक्स की कुछ थीम्स आ गई मेरे पास, ज़रूरी नहीं आप ब्लॉग्स के लिए आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। या मैं बोलता हूँ कि मुझे चाहिए पोर्टफोलियो, अब देखें पोर्टफोलियो की जो थीम्स बनी हुई है वो आ गई। मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग, तो ये ऑनलाइन शॉपिंग की आपके पास दो वेबसाइट्स आ गई। तो इस तरह से आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से रख सकते हैं। जैसे बिल्फर्स मुझे चाहिए, हम लोग ले लेते हैं थीम से, एक बार क्लिक करते हैं ऐड न्यू, ये वाली चाहिए, तो मैं यहाँ से इंस्टॉल करूँगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी, मे बी पॉसिबल है कि इंस्टॉल ना हो, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अगर लो होता है तो ये चीज़ इंस्टॉल नहीं होती है। तो इसका दूसरा तरीका भी है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं आपको दो तीन तरीके समझाऊंगा। आपको तीनों तरीकों में से जो तरीका आपको सही लगे वो कर लीजिएगा, मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ मैं आपको वो भी बता दूंगा। थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा जब तक इंस्टॉल होगी मैं एक वेबसाइट पर जाता हूँ, press.org.com नहीं .org, अभी तक इंस्टॉलेशन चल रही है इसकी। अपलोड अपडेट फेल, यानी अपडेट नहीं हो सके, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे आएँ, थीम्स पे क्लिक करें, जैसे ये वेबसाइट है देखें, ये वेबसाइट यहाँ पे थी ये, सही। तो ये वेबसाइट हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, जब ये चीज़ आपके पास डाउनलोड हो जाएगी तो आपकी एक सिर्फ फॉर्मेट में आएगी। मैंने कुछ तीन थीम्स डाउनलोड करके रखी हुई हैं, ये आपके पास थीम, मैंने तीन थीम्स डाउनलोड करके रखी है, मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तीन थीम्स मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक तरीका, डाउनलोड करने के बाद आप अपलोड थीम पे जाएंगे, चूज़ फाइल करेंगे, आपकी जो थीम्स हैं वहाँ पे आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको इंस्टॉल नाउ कर देंगे। तो जो ये प्रोसेस है ना, इसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी नहीं है। तो आप देखें कि थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली, थीम इंस्टॉल हो गई है, लाइव प्रीव्यू करना है, इसको एक्टिव करना है, रिटर्न टू होम पेज करना है। मैंने कहा रिटर्न टू होम पेज कर दो, एक्टिव एक्टिव की ज़रूरत अभी नहीं है। तो आप देखें एक थीम आपके पास मज़ीद आ गई। एक तरीका तो ये हो गया कि आप अपने पास डाउनलोड कर लें और वहाँ से थीम को अपलोड करवा दें। दूसरा तरीका हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे आके आप थीम सर्च कर लें और इंस्टॉल कर एक्टिवेट कर यहाँ पे इंस्टॉल कर लें, क्योंकि थीम मौजूद है इसलिए एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, आगे हम इंस्टॉल कर लें। थर्ड वे ये है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, मुझे आसान लगता है कि मैं डाउनलोड करके अपने पास रख लेता हूँ थीम्स और उनको मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट कर दिया मैंने, अब मैं क्या करूँगा कि जो ये थीम है ना इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, और मैं आऊँगा अपने सी
सैम, एसटी डॉक्स और डेमो वेबसाइट, फिर डब्ल्यू पी कॉन्टेंट। किसके अंदर? डब्ल्यू पी कॉन्टेंट के अंदर तो यहाँ पे देखें थीम्स का फोल्डर है, यहाँ पे आएंगे देखें ये थीम हम लोगों ने डाली थी, ये थीम आ गई, तो मतलब ये वाली थीम मौजूद है, मुझे ये वाली मैंने कॉपी की, यहाँ पे आके पेस्ट कर दी। तो एक और थीम बची हुई हमारे, उसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर। तो ये कुछ पांच थीम्स, तीन थीम्स हम लोगों ने डाली और तीन थीम्स हमें वर्डप्रेस वालों ने पहले से दी हुई थी। तो वापस यहाँ पे आते हैं, इसको एक बार हमारी थीम्स पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे हमारे पास छः थीम्स हो गई। आप देखें अलग अलग तरह की हमारे पास थीम्स मौजूद है। अच्छा, इन तीन थीम्स पे तो हम लोग इतना ज़्यादा काम नहीं करते, नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं तो हम लोग इस पे या किसी और वेबसाइट बना देते हैं। अच्छा, थीम्स को सबसे अच्छा तरीका ये है देखने का कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन को आप पढ़ लें, तो आपको पूरी थीम समझ में आ जाएगी। मतलब कोई वर्डप्रेस जो भी यूज़ करते हैं, कोई जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आप किसी थीम को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको इस वाली थीम पे एंड में लेके जाऊंगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैंने ये डाउनलोड की और आपके सामने इंस्टॉल की है। इनकी डॉक्यूमेंटेशन कुछ कम है, तो मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ सबसे पहले। तो जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूँगा, ये एक्टिवेट हो जाएगी और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे आपकी वेबसाइट का लुक ही अलग हो जाएगा। आप देखें आपकी वेबसाइट का लुक ही अलग हो गया, मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गई बहुत ज़्यादा। और आप देखें नीचे आपके फोटो एरिया चेंज हो गए और मतलब एक लुक कुछ और सा, यहाँ पे कुछ एक इमेज आ गई। तो अब जैसे ये इमेज आई है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, आप अपने पास कस्टमाइजेशन में जाएंगे, आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस आपके पास आए होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके पास साइनिटी का ऑप्शन हुई है, लोगो बिल्कुल लोगो देगा, लोगो देखते हैं अब कैसा लगता है लोगो, पहले बहुत अजीब से लगा था, अब देखते हैं लोगो कैसा लगता है, अभी भी अजीब से ही लग रहा है, चलो खैर कोई मसला नहीं, इसको हम हटा देते हैं। हेडर इमेज देखें, आपके हेडर इमेज आ गई, आप इसको हटा दें यहाँ से, रिमूव कर दें, कुछ वाली बात होगी। ठीक, एड न्यू कर दें, एड न्यू करने के बाद आप इसको जो हमारी हेडर इमेज थी वो थी ये वाली, इसको आपने क्या इसके कॉपिंग और इसको आपने ये कर दिया। अब देखें आपकी हेडर इमेज आ गई सही, तो ये इसने अपने तीन इमेजेस दी हुई थी, आप इसको हटा भी सकते थे, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हम लोग जब थीम हमें कोई चीज़ दे देगी तो हम लोग उसको कैसे हटाएंगे क्या होगा, कुछ ना कुछ उसकी आपको चीज़ें आपको कहीं ना कहीं से मिलती रहेंगी। अब आप अपनी वेबसाइट पर रहेंगे, लेकिन आपकी वेबसाइट का सिर्फ लुक चेंज हुआ है, बाकी सारी चीज़ें आपकी वही हैं। अब एक और काम करते हैं, हम अपने विजिट एरिया में आते हैं, तो पहले हमारे पास विजिट एरिया सिर्फ तीन आ गए थे, अब कितने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गए। तो जैसे जैसे आपकी वेबसाइट की थीम चेंज होती है, जो वेबसाइट के अंदर आपको विजिट एरिया दिए हुए होते हैं, आप उन विजिट एरिया पर काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या बताया है, फुटर कॉपीराइट, फुटर कॉपीराइट आप देखेंगे यहाँ पे आएगा, मतलब इसके अंदर कितने ये हैं फुटर के, फुटर 1, 2, 3, 4 फुटर विजिट्स हैं, मतलब आपका जो फुटर है वो चार हिस्सों में डिवाइड हुआ है। अच्छा, मैं चारों पे एक काम करता हूँ, कुछ ना कुछ डाल देता हूँ, पहले पे कैलेंडर डाल देता हूँ, दूसरे पे कैटेगरीज, तीसरे पे कैटेगरीज डाल देता हूँ, चौथे पे रिसेंट कमेंट डाल देता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वेबसाइट के अंदर किस तरह ये देखें, ये आपके चार चीज़ें देखिए, अब रिसेंट कमेंट्स हो गया, तो ये आप देखें अलग अलग चीज़ें आ गए हैं। आप इसके अंदर ज़रूरी नहीं आप ये चीज़ डालें, आप कुछ भी डाल सकते हैं, फेसबुक का पेज वगैरह, सोशल मीडिया के लिंक्स, अपने वेबसाइट के मेन्यू बार वगैरह सब चीज़ें डाल सकते हैं, जो चीज़ आपके यहाँ पे मौजूद है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, ये थीम तो आपने देख ली कि मतलब नॉर्मल थीम थी, इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, आपने सिर्फ एक्टिवेशन की और उसको यूज़ कर लिया। अब दूसरी थीम पे आते हैं, दूसरी थीम हम लोग इसको एक्टिवेट करते हैं, जैसे ही एक्टिवेट हो जाती है आप इसको रिफ्रेश करें, तो आप देखेंगे बिल्कुल ही थीम चेंज हो गई, मतलब पहले पेज से जाते हैं अब लुक अलग, मतलब पहले कुछ फिर दूसरी दफ़ा में कुछ फिर अब कुछ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने थीम इंस्टॉल की, तो आप यहाँ पे देखें कुछ आपके पास प्लगइन्स आ गए, बोल रहे हैं कि ये प्लगइन आप अगर इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी हम लोगों ने प्लगइन नहीं सीखे, इसलिए हम लोग इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो कस्टमाइजेशन पे जाते हैं, वही चीज़ें सारी आप देखें, वही बिल्कुल सेम जो हमारे पास पहले थी सही। अच्छा, इसके अंदर आप देखें कुछ चीज़ें आपके पास बढ़ गई, थीम ऑप्शन, ये थीम ऑप्शन देखें कभी यहाँ पे आता है, कभी ऊपर आता है, कभी कहीं पे आता है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लोग इसको सही से रख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देखें कहीं इसकी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, मैं इसको राइट क्लिक करके ऊपर न्यू टैब कर देता हूँ। तो अब डॉक्यूमेंटेशन का क्या फ़ायदा होता है वो आज आपको पता चल जाएगा। ओहो, ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये कि इस थीम की कोई डॉक्यूमेंटेशन अब मौजूद नहीं है।
या फिर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो आपको अपने हिसाब से ही सारी चीज़ें देख कर ही सेट करना पड़ेगा। जैसे हेडर लोगो, लोगो आज कुछ सेट करते हैं हम लोग, सेलेक्ट इमेज, मेरे पास लोगो जो है वो डी को लोगों में सपोज करना चाहता हूँ। अपलोड बोले लोगो इस साइज का आ सकता है, इससे वही साइज का नहीं आता। मैं बोलता चलो यार इतना करो यार, कुछ हमारे लिए भी गुंजाइश पैदा करें। ये लोगो डाल दिए इसने, अपलोड इमेज हो गई और टेक्स्ट कलर वगैरह सब चीज़ें हम लोग अभी सोच हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये तो लोगो यहाँ पे आए नहीं, चलिए कोई बात नहीं, वापस आते हैं अपने थीम ऑप्शन के अंदर। सही है, अब देखें यहाँ पे देखें हेडर टैक्स ओनली, यहाँ पे कहता है हेडर लोगो शो बोथ, शो बोथ पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देखें ये नंबर दिया हुआ, आप यहाँ से चेंज करते हैं। ये मैंने अपना नंबर डाल दिया। फेविकॉन क्या होते हैं आपकी वेबसाइट का, ये लोगो फेविकॉन डालते हैं, फेविकॉन मुझे चाहिए वाला नहीं आएगा मुझे पता है। फूटर टैक्स, फूटर टैक्स यहाँ पे जो टैक्स दिया हुआ सही, अच्छा दिया कॉपी, अच्छा जो टैक्स यहाँ पे दिया हुआ है इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे देते हैं थीम एक्सेस बाय स्टोर की डेवलपमेंट कर देते हैं समझाने के लिए। बाकी आपने एक्टिव फेविकॉन, फेविकॉन को एक्टिव करो, सोशल वगैरह सब जहाँ सब हो गए चेक करते हैं। देखें आ गया, अब देखें यहाँ पे एक मसला है द लेक्चर थीम एक्सेस, यानी ये चीज़ यहाँ तक तो आ गई है और जो हमने डाला था वो भी आ गई, डबल डबल है। अब इसको हम लोग एडिट यहाँ से नहीं कर सकते, इसको दूसरी कस्टमाइजेशन से करेंगे, वो मैं आपको बता दूँगा थोड़े वक्त में अंदर। अभी हम लोग फिलहाल थीम्स को देखेंगे कैसे थे। अच्छा डिज़ाइन सेटिंग के कैसी सेटिंग होनी चाहिए, नो साइड बार, वाइट साइड बार, मैंने भाई राइट साइड बार करो तो एक काम करो राइट साइड बार करो भाई ऐसा नहीं करो, और बॉक्स लेआउट कर दो यानी कि इस तरह से थीम दिखाई देगी, डिफ़ॉल्ट लेआउट पेजेस ओनली राइट साइड बार कर दो, डिफ़ॉल्ट पोस्ट राइट साइड बार चाहिए हमें, ये सारी आपने ऑप्शन सेव की और इसको चलाते हैं। ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने सब कर दिया है। शो फूटर फीटर विजय सेक्शन, शो कमेंट्स पेजेस, शो, चले आगे चलते हैं। स्लाइडर सेटिंग, स्लाइडर सेटिंग अभी हम लोगों ने नहीं की है, इस पर हम लोग अभी काम नहीं करें क्योंकि स्लाइडर सेटिंग सबकी अलग अलग होती हैं, इस पर अभी हम लोगों ने फिलहाल कोई काम नहीं किया क्योंकि स्लाइडर आपकी जो है वो दूसरी थीम के अंदर ही मौजूद है, उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं। तो ये अलग अलग आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप अलग अलग थीम इंस्टॉल करेंगे अलग अलग आपके पास ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा आपके पास ये प्लगइन्स है, अभी हम लोगों ने प्लगइन्स पे कोई काम नहीं किया इसलिए हम लोग इंस्टॉल नहीं कर रहे। वापस आते हैं थीम्स के अंदर, तो अब रह गई एक ये थीम जो कि मैं इसलिए आपको इंस्टॉल की कि आपको मैं इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बता सकूँ। तो इसको करते हैं हम लोग, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब बेहतरीन किस्म की थीम है। इसके अंदर पहला पेज ये होम पेज के अंदर आप देखेंगे तो आपका यही होम पेज है और ये विजन में यहाँ पे जा रहा है, होम पे आपका ये बस यही दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा। ये सर्विसेज के अंदर क्या है भाई, ये सर्विसेज आपकी आ गई, मतलब बहुत अच्छी थीम, मतलब एक लुक वाइज के अंदर आपको अच्छी लग रही। ब्लॉग के अंदर जाते हैं तो भाई ये ब्लॉग मतलब एक तरीके का ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट ये तो मैंने अभी कुछ डाला नहीं है, इसमें हमें डालना है। अब आते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे ऑर्बिट ऑप्शन आ गए आपके पास, ऑर्बिट ऑप्शन पर क्लिक किया, डॉक्यूमेंटेशन दी हुई यहाँ पे सो क्लिक करें। यहाँ पे ऑप्शन अगर बिल्कुल आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं आ गई हो तो आप थीम का नाम गूगल पे जाके लिखें और उसके आगे डॉक्यूमेंटेशन लिख दें तो हो सकता है कि आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए। तो ये बताया कि हमारे पास ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, तो अब देखें ये इंस्टॉलेशन बताया कि ये आप इस तरह से इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ये फोर नंबर की है, फाइव आपको ये स्टेप करना है एक्टिवेट हो जाएगा, इसके बाद जनरल सेटिंग में जाएंगे, अपेयरेंस कस्टमाइज जनरल, उसके अंदर आपके पास कलर स्कीम पोजीशन साइड बार ये सारी चीज़ें देना शुरू हो जाएगा। फिर आप देखें ये हेडर सब हेडर जो हमारे मेन पेज में आ गया, तो आप यहाँ पे यूआरएल बटन डिस्प्ले साइड स्लाइडर इमेज ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप थीम को आप देख सकते हैं। अब कुछ होते हैं शॉर्टकट्स, वो शॉर्टकट्स यहाँ पे समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर थीम के अलग अलग शॉर्टकट्स होते हैं और वो शॉर्टकट्स आपको उनकी डॉक्यूमेंटेशन में से ही मिल सकते हैं, आपको कोई ज़बानी वगैरह नहीं बता सकता। जैसे इसके अंदर स्मॉल बटन चाहिए तो आप ये वाले बटन ले लेंगे, एक बटन
दो बटन, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दूसरा बटन तीसरा बटन, यानी एक लाइट है, एक डार्क है, एक ब्लू है, सही है। उसके अंदर आपको जो लिंक देना है, आप जहाँ पे क्लिक करें तो ये आ जाए, और उसके नाम के आगे आपको जो देना है, देखिए लाइट डार्क ब्लू लार्ज बटन, तो इस तरह से ये आपको कोड याद हो नहीं हो इसका कोई इशू नहीं, कि आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही मिलते हैं। नोटिस बॉक्स आप देखें, अलग अलग नोटिस बॉक्स के कोड दिए हुए। इसके अलावा कॉलम्स, टू कॉलम्स के लिए ये, थ्री कॉलम्स के लिए ये, 1/3 कॉलम्स के लिए ये, यानी टू कॉलम्स होंगे लेकिन पहला कॉलम छोटा होगा दूसरा कॉलम बड़ा होगा, 2/3 के लिए यानी दूसरा कॉलम पहला कॉलम बड़ा होगा दूसरा कॉलम छोटा होगा, 1/4 यानी चार कॉलम्स, 1/2/4 यानी पहला कॉलम बड़ा पहला कॉलम छोटा तीसरा कॉलम छोटा और पहला दूसरा वाला बड़ा होगा, 1/4 यानी शुरू के दो छोटे पे, ये सारे कोड्स आपको यहाँ से लेने पड़ेंगे, सही है। लिस्ट, लिस्ट के लिए आपके पास ये आ जाएगा, यानी ये कोड आप डाल दें, आपको उसमें डालना है टेक्स्ट एडिटर, विजुअल में डालना तो डालते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, सही है। एग्जाम्पल्स देगा आपको, देखें इस तरह से बन सकता है आपके पास अलग अलग, मतलब कि ये जो चीज़ है ना आपके पास आइकन, ओके, तो ये आपके पास यहाँ से ग्रीन में ग्रीन आएगा, रेड में रेड आएगा, फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग, ये सब चीज़ें यहाँ से आपको मिल सकती हैं। इसके बाद आइकन्स आप दे सकते हैं, ये आइकन्स आप देखें, ये आइकन्स आपके पास, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इस तरह से आपको अगर चीज़ें देनी है तो आप देखें यहाँ पर ट्विटर व्यूटर सब लोग, या आपको कॉपी करना आपको ये लिखा, आपको सिर्फ क्या क्या नाम वगैरह ये सब चीज़ें चेंज करनी है, आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। आइकन कलर ये हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखें ग्रीन है तो ये ग्रीन है, आप इसमें कलर ये दे सकते हैं, जितने कलर्स आपको यहाँ पे दिए ये सारे कलर्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। एडवांस लेवल के अंदर आते हैं तो एक्शन लुक्स आर एसेंशियली प्लेस होल्डर वेयर वेन एवर एन एक्शन लुक्स, अच्छा हुक्स ऑफ ऑबिट, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि आप यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है ना वो तो उसको देख के भी हमारे समझ में आ रही है कि क्या बोल रहा है, कि विजिट एरिया है फ्रंट बॉक्स वन, विजिट एरिया फॉर, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है हमें, तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि ये कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हमने शुरू में दिखा दी थी। फिर बिट मैम का जस्ट आफ्टर ओपनिंग बॉडी टैग, ये सारी चीज़ें, अब ये जो चीज़ें हैं ये आपकी PHP साइट पे, इस पर हम लोग अभी नहीं देख रहे। अच्छा इसके बाद ये आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन बताई और डॉक्यूमेंटेशन बताई, कस्टम कलर्स इस पर हम लोगों ने अभी काम नहीं किया है, FAQ रीडिंग स्टैटिक पेज होम ब्लॉग, सही है। अच्छा अब आते हैं सबसे पहले सेटिंग्स पे, रीडिंग यहाँ पे हमारे पास होम पेज है, इसको होम ही कर देते हैं, अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं, हमारा वही पेज आ गया, मतलब होम आ ही नहीं आ रही सूरत में भी, आप देखें होम पे क्लिक करो तब भी हमारे पास होम ही आ रहा है। अच्छा अब क्या करते हैं कि पैकेज पे आते हैं, कस्टमाइजेशन पे आते हैं, कस्टमाइजेशन के अलावा हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे, अगर आप देखें आप पैकेज के अंदर तो ऑर्बिट ऑप्शन भी मौजूद है, ऑर्बिट ऑप्शन के अंदर हमारे पास फ्रंट पेज मौजूद है, ये हेडर है, हेडर है, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देखा हो, ये आपका हेडर है, ये सब हेडर है, ये टेक्स्ट बटन है, तो आप देखिए हेडर है, इसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है, ऑर्बिट फ्री थीम, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेक्चर फ्री थीम, सही है। इस यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।